मोबियस फाउंडेशन ने 19 और 20 सितंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के 5वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया। इसमें जलवायु कार्रवाई और स्थिरता के लिए शिक्षा विषय पर अलग अलग सेशंस में कई जाने माने वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मोबियस फाउंडेशन और इंडिया टुडे ग्रुप ने सम्मेलन के पहले दिन दो विशेष सत्रों के साथ अपने साझा अभियान विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाया। पैनल चर्चा से पहले मोबियस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप बर्मन और राजदीप सरदेसाई की खास बातचीत हुई। पॉपुलेशन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी व्हिच नोबडी टॉक्स अबाउट। इसके बाद हिंदी में पैनल चर्चा को आगे बढ़ाया सईद अंसारी ने। इस चर्चा का विषय था जनसंख्या, जलवायु और जीवन। जो आबादी है वो वाकई बहुत ही एक भयानक विस्फोट की तरह से हमारे ऊपर पड़ी है, तो ऐसे में जो है सारी दुनिया के सामने एक भयानक सवाल है कि कैसे योजनाएं बनाई जाएं और एक संतुलित किस्म का विकास हो। हम चाहते हैं कि अर्ली मैरिजेस ना हो, हम रिड्यूस करना चाहते हैं मोर्टैलिटी एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, पर हम फिर सेक्स सिलेक्शन भी करते हैं। एजेंडा सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी मुहिम है जिसको मोबियस फाउंडेशन ने शुरू किया इस उद्देश्य से, जो समस्याएं, उन सारी समस्याओं को कैसे जो है हम जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जनसंख्या की जो बात है वो अलग सी बात नहीं है, वो विकास और एजुकेशन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। मोबियस फाउंडेशन 4 वर्षों से लगातार सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 30 से अधिक संगठनों के साथ मिलकर ICSC का आयोजन कर रहा है।